चाहे हमारे ख्याल में वो अयामर्दा न हो, और जब भी वह असबाब ना होंगे तो वह नहीं आएंगे चाहे अयाम अजा हो। रिवायात कहती है कि जहां पर जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम होता वहां मलाइका भी हाजिर होते हैं और ये मासूमीन की तस्वीर फरमा होते हैं। तो ये आने की कैफियत क्या है वो जरूरी नहीं कि हम समझ सकें, लेकिन उनका हमसे ताल्लुक बहरहाल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हर मरने वाले के सराहने मौला अली पहुंचते हैं चाहे कोई हो, लेकिन उस पहुंचने का मकसद मतलब क्या है वो जरूरी नहीं कि हम समझ सके। जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती है वहां इनकी आमद रफ्त होती है मलाइका की। जिन घरों में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम होता है वहां मलाइका के साथ ये खुद भी आते हैं। जिक्र का मतलब खाली जबान से उनको पुकारना नहीं होता, जिक्र का मतलब अपने आमाल से भी उनको याद रखना होता है। यानी जितना हमारी जिंदगी में उनके दिए हुए अफकार और ख्यालात और उनके अहकाम की झलकियां दिखाई देंगी उतनी उनकी आमद बढ़ेगी, और जितनी हमारी जिंदगियां उनके हिदायात से खाली होती जाएगी उनकी आमद और रफ्त घटती चली जाएगी। और खुदा न करे अली मोमिन के सराहने भी अली काफिर के सराहने भी, मगर काफिर के सराहने अली आए तो उसका असर कुछ और है, मोमिन के सराहने अली आए तो उसका असर कुछ और है। हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि वो हमारे पास आएंगे तो हमारे ऊपर उसका असर तो अच्छा ही पड़ना है, लेकिन वो आके दो तरह से वापस हो सकते हैं। हमारे दरमियान आके खुश खुश वापस जाए कि हमारे चाहने वाले हम पे रोने वाले उस जिंदगी को अपनाए हुए हैं जिसके जिंदगी के लिए हमने कुर्बानी दी थी, कि रंगीना वापस जाए कि हमें चाहते भी हैं, हमें मानते भी हैं, हम पे रोते भी हैं, मगर हमने ईमानी जिंदगी की कुर्बानी दी थी, ये बेईमानी की राह पे जा रहे हैं। हमने अमानतदारी के लिए बचाने के लिए कर्बला बर्पा की थी, ये बेईमानी और खयानत पे जा रहे हैं। तो यही से फैसला हो जाएगा कि कहां वो आते हैं और कहां नहीं आते, और आते हैं तो जाते कैसे हैं, खुश खुश वापस जाते हैं या रंगीना वापस जाते हैं। तो ये तो तसव्वुर हमारे ज़हनों में है, हम चूंकि एक एहतमाम करते हैं खुसूसियत से नहीं पड़ना सालों नजरानी हमारे माशरे में होती रहती है। खुद ईसा के सवाल की मजालिस के नाम पर साल भर मजलिस हुसैन होती है, फिर विरादत वफात और शहादत की तारीखों में अदादारी होती रहती है, तो अदादारी तो होती रहती है। मगर आशूर के दिन या फिर अरबईन के दिन या आठ रोयोबल को जो हमारे बर सगीर में पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश के कल्चर में या अलग अपने दिन कहलाते हैं, उसमें हम बेचैन होते इसलिए जो एहतमाम हमने किया था वो हम अब खत्म कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं कि वो जा रहे हैं, हमारी तरफ से जो अयाम-ए-अज़ा के आवाज में एहतमाम हुआ था उसे हम समेट देते हैं, अलग तह करके रख देते हैं, तादिये छुपा के रख देते हैं, तब ताबूत से ज्यादा हटा के रख देते हैं। तो जैसे मेहमान चला जाए तो एहतमाम खत्म हो जाता है, वैसे हम एहतमाम खत्म कर देते हैं, लेकिन वो चले नहीं जाते हैं और हमें अलविदा या हुसैन कहने का तो हक ही नहीं है। जिसने भी ये बात कही हो बहुत अच्छी बात कही है कि अलविदा या हुसैन हरगिज न कहो, तुम्हारी जिंदगी से हुसैन कभी रुखसत न हो, अलविदा या हुसैन न कहो, कहना है तो हमेशा लब्बैक या हुसैन कहो। हमारे दरमियान लब्बैक या हुसैन का नारा तो राइट हो गया, मगर जैसे हर नारा थोड़े दिनों के बाद अपने अंदर छुपे हुए पैगाम को खो देता है, वैसे ही अब लब्बैक या हुसैन वो भी लगा रहे हैं जिनके यहाँ हुसैन के पैगाम का लब्बैक का मतलब क्या है, हम आपकी बात पर हाजिर है। तो हुसैन का पैगाम क्या है, नाम और अभिमान हो पान हा अरे मुर्दर, नेकियां फैलाना, बुराइयों से बचाना,
انما خلقتو لطلب اصلاح امت جدید، اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. تو حسین کا پیغام ہے نیکی پھیلاؤ اور گناہوں سے خود کو بچاؤ اور اپنے معاشرے کو بچاؤ. الوداع یا حسین نہ کہو، لبیک یا حسین کہو، مگر لبیک یا حسین کہنے سے پہلے دیکھو کہ نماز کو تم لبیک کہہ رہے ہو یا نماز کو الوداع کہہ بیٹھے ہو. روزے کو لبیک کہہ رہے ہو یا روزے کو الوداع کیے بیٹھے ہو. اگر پوری زندگی سے دین کو الوداع نہیں رکھا ہے تو الوداع یا حسین بھی کہہ لو، اس لیے کہ حسین نہیں ہے. جب دین نہیں ہے تو حسین نہیں ہے، لیکن اگر دین ہے، دین لانا ہے تو لبیک یا حسین کہو، اور لبیک یا حسین کہتے ہو تو پھر دین لا کے دکھاؤ کہ خالی نعرے بازی نہیں ہے. کل کربلا میں جس قربانی، جس ہدف کے لیے آپ نے قربانی دی تھی، آج ہم اسے اپنے وجود میں سمو کے نکلا رہے ہیں. ہمارے گھروں سے ماتم کے ساتھ ساتھ تکبیر کی آوازیں کو پھٹ کے بتا رہی ہے کہ ہم حسینی ہیں. ہمارے گھروں سے تلاوت کی آوازیں اگر آ رہی ہیں تو بتا رہی ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اس لیے برستے تیروں نے مسلح حسین نے بچھایا تھا، یزید نے نہیں. اور لوگ نیزہ کی بلندی پہ تلاوت قرآن حسین کے سر نے کی تھی، یزید ابن سعد نے نہیں کی تھی. تو یہ ساری حسینی ہونے کی پہچانے ہیں. یہ پہچانے آتی جائیں تو لبیک یا حسین حسین کہیں. تو یہ الوداع جو ہمارے تصورات میں ہے، میں اس کی ذرا سے وضاحت کر دینا چاہتا تھا. البتہ خود ایام اعظم کا خادمہ کا لفظ آیا ہے، تو اپنے نوجوانوں بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اس کی وضاحت کر دو. جیسے ماہ مبارک رمضان ایک پورا مہینہ ہے، رمضان کا روزے کا مہینہ، اس کے اپنے خصوصیات ہیں. پہلے 10 دن کا شرف، پھر اس سے آدھا 20 دن، دوسرے 20 رتوں کا شرف، پھر آخری 10 راتوں کا شرف، خصوصیات ہیں. جیسے ایام حج ہے، حج کے دن معین ہے، انہیں دنوں میں حج ہوتا ہے. تو کیا یہ ادا، ایام ادا جو کہلاتے ہیں، یہ کوئی معین ہے مذہب کی طرف سے؟ جو ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن ایام ادا، اور پھر اس میں لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ ابھی یہ ربیع الاول نہیں ہوا اور ہمارے گھر میں فاقد نوبت ہے اور دکان کرنا چاہتے ہیں، اور دکان کھول سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم گھر بنا لیا ہے اور گھر میں منتقل ہونا چاہتے ہیں رہنے کے لیے، اور کرایہ دینے لائق نہیں رہ گئے ہیں، مگر ایام ادا ہے، نئے گھر میں جا کے رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میرے عزیزوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں دو باتیں. پہلی بات یہ کہ ایام عزا کی حدیں شریعت نے معین نہیں کی. کہ پہلی ربیع الاول سے 10 محرم تک، پہلی محرم سے 10 محرم تک ایام عزا، یا پہلی محرم سے مثلاً 40 تک ایام عزا، یا پہلی محرم سے مثلاً 8 ربیع الاول تک ایام عزا. پورے سیاہ معاشرے میں، پوری دنیا میں، جہاں تک میرے علم میں ہے، البتہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایام عزا ایک، یہ ہمارا جو معاشرہ شیعہ کلچر جو اوت سے بن کے پھیلا، اس میں ایام عزا اب 2 مہینے 8 دن یعنی 8 ربیع الاول تک ہے، پہلے یہاں بھی 40 تک ہے. اور پوری دنیا میں جو ہمارا یہ اوت کلچر سے نکلا ہوا عزاداری کا طریقہ اور سلیقہ ہے، وہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش. اس کے علاوہ جہاں جہاں تشیع ہے، وہاں ایام عزا کا خاتمہ 40 پر ہو جاتا ہے. میں یہ جھگڑا تو نہیں کھڑا کر رہا ہوں کہ کوئی فتوے کا مسئلہ، ان کا فتوا، ان کا فتوا، یہ ہماری اتنی سوچ اور کلچر ہے. جتنا ہو سکے اتنی عزاداری کی جائے، لیکن کہیں تو ختم کر دے. تو ہمارے بزرگوں نے بھی 40 تک رکھی تھی، میں وہ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ 40 نہیں ہو سکا، تاریخ پڑھی اوقات کی مسئلہ سامنے آئے گا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو بھائی عزاداری سال نہیں ہو پائی، تو اسے کہیں کہ 8 ربیع الاول تک لے جائے. اور اس میں تصور یہ بھی ہے کہ حسین کے خون کا انتقام، حسین کا پوتا لے کر پردہ غیب ہے، اس کی حکومت تو 8 ربیع الاول سے شروع ہوئی، لیکن وہ کوئی جشن بنانے کا دن نہیں ہے. 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے جس میں وہ حاکم دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے، اس کی حکومت کا دوسرا دن ہے، مگر خوشی بنانے کا دن شاہد کے دن نہیں ہو سکتا. لہذا وہ حاکم آ رہا ہے جو انتقام خون حسین لے گا اور جو مقصد حسین کو پورا کرے گا. ہم خالی انتقام پہ اٹک جاتے ہیں. آخری امام کی تشریف آوری صرف انتقام خون حسین سے جڑی نہیں ہے، وہ تو ہوگا،
असल में करबला जिस हदफ के लिए वजूद में आई थी वो था जमीन से जुल्म और कुफ्र और इल्हाद और शिर्क और नाइंसाफी और बेदीनी का खात्मा, और जमीन पर तौहीद और दीन और कुरान और इस्लाम और मजहब और खुदा की हुकूमत का त्याग और अदालत का त्याग। ये है हदफ करबला, यही हदफ आदम से लेके हदफ फातिमा तक भी हमारी का हदफ यही है, इसी यही हदफ करबला का हदफ भी है। तो जब ये हदफ आने वाला वो आएगा जो इस जमीन को जुल्म से पाक करेगा, कुफ्र से पाक करेगा, इल्हाद से पाक करेगा, शिर्क से पाक करेगा, तो करबला का हदफ पूरा हो जाएगा। लिहाजा वो दिन बन गया खातिमे का दिन, अदादारी के जब वो हुकूमत चालू शुरू हो गई, थोड़ा दिल को तसल्ली हो गई कि हुकूमत शुरू हो गई, क्या इंशाअल्लाह हदफ करबला पूरा होगा। इसरा दे दे लबों पे तवस्सुल है, और जैसे जैसे मोहर्रम की तारीख आगे बढ़ती थी उनका गम गहरा होता जाता था, और आशूर आते आते पूरा वजूद गिरिए से बदल जाता था। ये मसूमियत की सीरत, तो ये तो मुत्तफिक काफी खूबसूरत हाल है कि आशूर तक, पहली मोहर्रम से आशूर तक खुद सीरत मासूमियत में सबूत मौजूद है। अब फिर उसके बाद अरबईन पर फिर हुसैन की ग्यारत के लिए खुसूसियत से जाना और मुतवज्जे करना मासूमियत की सीरत मिलता है, उससे भी नतीजा निकाला जा सकता है कि कम से कम यहाँ तक आले हुसैन का जो सिलसिला पहली मुहर्रम को शुरू हुआ था उसको बाकी रखा जाए। बात सिर्फ इतने फिकी तौर पर इतनी समझने की है कि आशूर के दिन को बनी उमैया ने ईद का दिन बनाया, लिहाजा अहले बैत ने उसके मुकाबले में पूरी तरह से जो गैर इस्लाम को बिठाने की साजिश है, जो शहादत इमाम वक्त और नवासे रसूल और फर्द रसूल की शहादत की तारीखों से ईद बना दिया जाए, हकीकत कितनी बदली जा रही है, उसका इमाम ने मुकाबला किया। बनी उमैया ने उस दिन मासूमी रसूलुल्लाह से रवायतें गहगर में फैलाई कि आज ही दो की कश्ती कोह जूदी पे लगी थी और आज ही आदम की तौबा कबूल हुई थी और दुआएं गढ़ी गई। बबाजुल जनाना पढ़े, सामने की किताब है उसे जाकर पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि यौम आशूर के शेख अब्बास कुमी अल्लाह मकाम ने मुहक्किक थे, और लिखा है हमारे बास सादा लौर शियों ने भी उनकी बनी उमैया की घड़ी हुई दुआओं को उठा के अपनी किताबों में शामिल कर दिया और आशूर के दिन की दुआओं में शामिल कर दिया। हमारे मुल्क में भी सभी जैसी किताब है जिनमें वो दुआएं मौजूद है। क्या आज ही के दिन जूद को हजूदी पे लोगों की कश्ती लगी थी, आज ही दिन इतने फजाइल यूनुस को मछली के पेट से निजात मिली थी, और आज ही के दिन आदम की तौबा कबूल हुई थी, ये बनी उमैया का काम था। बरकत के दिन करार देना और उसके साथ साथ एहतमाम ईद का दिन करार दे के खूब खरीदारी करो, खूब जश्न मनाओ, मेहमान उसके मुकाबले में शियों को पैगाम रोजा मुस्ताहब करार दे दिया, उसने बड़ा जोर दिया उसका रोजे पर। रोजा जब चाहे सब रखे, मगर मासूमीन ने आशूर के दिन के रोजे की लिए बार बार ताकीद की कि नहीं इन्हीं को बनी उमैया मिटा रहा है आशूर के दम को, इसके फिर आरोप के मुकाबले में तो आशूर का दिन वो दिन 100% है जिसके लिए मासूमीन की सीरत और इरशादात की रोशनी हमारे फकहा कहते हैं कि उस दिन दुनिया का कोई काम नहीं होता, अक्सर इंकार जो उन्होंने दुनिया के हर काम को किया खुशी मनाने के लिए, यादव के मुकाबले में आशूर की इबादत के लिए दुनिया का कोई काम नहीं किया जाए, रोजी कमाने का, घर में कुछ खरीद के लाने के सारे कामों से गुरेज किया जाए, इल्ला ये कि उसे देखिए बहुत है हमारे फकहा इसीलिए कहते हैं कि दुनिया का कोई काम न किया जाए, मतलब नहीं अस्पताल बंद करिए मरीजों को बांटा जाए, दवाओं की दुकानें बंद करते मरीजों को बांटा जाए, नहीं इस्लाम इस्लाम दीन है, अकल है, दीन इंसानियत है। तो अपने नौजवानों के लिए ये दो तीन बातें आगे दरमियान में गुफ्तगू बल्कि आवाज गुफ्तगू आधार करना चाहिए कि अय्याम अदा का खसूसियत से कोई तालुक शरीयत की तरफ से नहीं है और न उसके कोई अहकाम है, फितरत के हवाले किया है कि जब तुम रंजिदा होगे तो तुम्हारी जिंदगी में क्या नहीं होगा और क्या होगा, रंजिदा होगे तो कहते नहीं लगाओगे, रंजीदा होगे तो आंखों में कभी कभी हंस दिखाई देते, रंजीदा होगे तो जब को वर्क लिबास नहीं पहनोगे, रंजीदा होगे तो सादगी वाले लिबास में दिखाई देते, उसमें कोई काले कपड़े शब्द नहीं है, ये अदादारी का एहतमाम है। वरना जब तक अदादारी, अगर मेरे घर में मौत हो जाए तो मेरे बाप का जनाजा जब तक रखा मेरे घर में, जब तक संयुक्त नहीं हुआ 40वां नहीं हुआ, जब तक धीरे धीरे भूल नहीं आई उस वक्त मेरी जिंदगी अलग तरह की होगी, खाने भी अलग होंगे, रहन भी अलग होगी, गुफ्तगू भी अलग होगी, मुझे मुझे
कभी बोल रही सब कैफियतें होती कि नहीं होती, तो यही कैफियत है ना। हमारे बाप के मरने पर उनका कोई दिन ये होता कि आज के बाद से तय पहरे लगाओ, आज के बाद से नए कपड़े पहनो, ना हुसैन की मौत पे है, अपने अपने दिल के असरात पर है कि जिसका दिल जितना उदासी होगा उसकी अदादारी उतने दिनों के लिए बनती जुड़ते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हुसैन का नाम बना लिया। तो ये दूसरी बात की अयाम अदा का इख्तितामी दिन जो मैंने कहा, इसलिए मैं वादा करना चाहा कि कोई शरी तफसी नहीं है। हमने मेडिसिन की है, हमने ढगे पड़े, हमने भविष्यदा भी चाया, हमें बुजुर्गों से जो कुछ सीखने को मिला था वो सीख के उसे दोहराया, नस्लों तक पहुंचाया। किस उम्मीद पे? पहली बात तो ये कि ये जितनी हमारी इबादतें हैं, मौला अली ने जो इबादतों की तकसीम की थी उसकी तीन किस्में करार दी है, शौक जन्नत, खौफ जहन्नम और तीसरी किस्म अली वाली, ना जन्नत के लिए तेरे, ना जहन्नम से बचने के लिए तेरे, इसलिए तेरी बात मानेगा और तुझे सज्दा करेगा, तू है ही अल्लाह के तेरे सज्दा तुझे वो वाली। हमारी आपकी इबादत तो इन्हीं दो में घूमती रहती है। हम जितने वाजिबात अंजाम दे रहे हैं, हराम से बच रहे हैं, आपको नहीं, मैं अपने आप को कहता हूं, अगर जहन्नम का डर दिल से निकल जाए तो जाने कितने हराम है जो कर बैठे, अगर जन्नत का ख्याल भी से निकल जाए तो न जाने कितनी नेकियां छोड़ देंगे, बल्कि जन्नत की फिक्र भी ना होती। जहन्नम अल्लाह हटा ले, जन्नत मिले चाहे ना मिले, जहन्नम से बच के बनाओ इनके अंदर दुनिया। हमारे जैसे तो खाली जहन्नम के डर से कोशिश कर रहे हैं कि आराम से बचे और वाजिब तक पहुंचे, वाजिब को अंजाम दे, कम से कम इतना करें। ये और बात है, तो वो करीम मालिक उसने एक निजाम बनाया कि साहिब ईमान को पहल करके नेकी की राह में डालता है और नेकी की तौफीक देता। दुआए सभा में मौला अली ने बोला है कि सलावत दे दे मुहम्मद के अभी इतनी लगया नहीं आ रहा है। अगर तेरी रहमत ने पहल करके मुझे तौफीक न देनी होती, हमारी सारे को भी इलाही का फिवाद है तरीक, तो ये इस्लाम का खुला रास्ता है, इसमें मुझे लेके आता कौन? ये तो तेरी पहल थी कि तू मुझे तौफीक दे किस रास्ते पे ले आया। तो अल्लाह मोमिन के लिए पहल करता है, नेकी का माहौल बनाता है, उसके दिल में नेकी का तसव्वुर डालता है, लेकिन जब आदमी नेकी करता है तो काहे से तौफीक पाने से, और जब तौफीक मिलती है तो नेकी करता है। अब अल्लाह ने निजाम बनाया है कि तौफीक भी तुमने नेकी की, अब जब तुम नेकी करोगे तो फिर नेकी की तौफीक मिलेगी, फिर तुम्हें तौफीक मिली, फिर तुमने नेकी की, तो फिर इस नेकी से तौफीक और तौफीक से नेकी। जैसे इल्म अमल का रिश्ता है, इल्म आए तो अमल करो कि और इल्म मिलेगा, इल्म आए फिर अमल करो कि और इल्म मिलेगा। वैसे रिश्ता है, ईमान से अमल होगा, अमल से ईमान आएगा, अमल से ईमान, ईमान से अमल का जो रिश्ता है, उसी तरह से तौफीक से अच्छे काम, अच्छे कामों से तौफीक, ये सारे अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं। नेकी करने लगी है जहन्नम के डर से ही सही, फिर अल्लाह तौफीक बढ़ाए और आदमी मुस्तहबात तक आ जाए, वाजिब नमाज शुरू करता है, नमाज सब तक आ ही जाता है आदमी, कभी ना कभी हिचकिचा के उम्र की मरहले पर पाबंद भी हो तो कभी कुछ नहीं तो कभी कुछ सहलता तो नहीं आ जाता है। तो आमाल खैर जो आप कर रहे हैं, हमने इतनी मजलिस की जो भी की है, और साहबन जो कुछ करते हैं, जो असल मौजूद है, जो जिसके लिए मैं इस वक्त हाजिर हुआ था और जिसके पेश करने का फिर मत कर लिया, वो ये था कि बहैसियत मोमिन हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल से बाकी इंसानियत दो चार नहीं है। कुछ मसाइल हमारे आपके ऐसे हैं जो सारे इंसान उससे दो चार है, ऐसा हम उठाना चाहिए, मोमिन हो तो भी चाहिए, काफिर हो तो भी चाहिए, रहने की जगह चाहिए, मोमिन हो चाहे काफिर हो, सबकी जरूरियात, सबके मसाइल, रोजी रोटी, घर कपड़ा मकान, बच्चों की तालीम, सेहत तंदुरुस्ती, ये वो सारे मसाइले हयात हैं जिनसे सारे इंसान दो चार हैं। मगर इन मसाइले हयात में जिसमें सारे इंसान, सबकी जिंदगी की प्रॉब्लम है, सबके जिंदगी के मसाइल में है, ये रोजी कमाना एक मसला, पढ़ाना बच्चों को पढ़ाना लिखाना एक मसला, ये मसाइले हयात है हमारी जिंदगी के मसाइल है। लेकिन मोमिन की जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल है जो ईमान के बाद ही पैदा होते हैं। मसलन
हमारे अपनी जरूरतों के लिए कोशिशें करके जब हार जाते हैं तो दुआ करते हैं, सेहत की दुआ, बच्चे की दुआ, रोजी की दुआ तो ही करते हैं। अब ये सेहत और बच्चा और रोजी ये तो हमारी मुश्तरक जरूरत थी, काफिर की भी हमारी भी, मगर जो हमने दुआ की तो ये दुआ मोमिन का अमल है। अब दुआ अल्लाह की बारगाह तक पहुंचे और कबूल हो, ये मोमिन की जिंदगी का मसला है कि नहीं, या खाली दुआ के लिए हो गया काम? नहीं, दुआ करे तो कबूल हो, यह है मोमिन की जिंदगी का मसला। उसी तरह से मसलन हम आप सब मजलिसे सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, होता है कि नहीं होता कि कभी कोई बात बहुत ज्यादा दिलों पे असर कर जाती है और कभी घंटों अच्छी बातें सुनकर भी कोई असर दिल पे नहीं पड़ता। तो मोमिन की जिंदगी का मसला हुआ कि नहीं कि अच्छी बात अच्छी न लगे, कभी कभी किसी की अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती, कोई हमें मोहब्बत ढंग को समझाता और हमें बुरा लगता है, तो हमें अच्छी बात अच्छी न लगे, ये मोमिन की जिंदगी का मसला महबूब। ये क्या हो गया कि मैं अच्छी बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, हम अच्छे बाजी नेकियां कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, मजलिस खत्म कर रहे हैं, एक मरतबा दिल उचाट हो गया, दिल ही नहीं लगता, कुरान लेके बैठे पढ़ने दिल नहीं चलता, नमाजें सब छूटी चली जा रही, शबे जुमा आ रही है, दुआएं पढ़ते थे अच्छी बात मोबाइल और दूसरी दुआएं तो नहीं दिल लग रहा। तो ये अच्छे काम में दिल न लगना ये मोमिन की जिंदगी का मसला, क्या हो गया महबूब? यह प्रॉब्लम की नहीं है हमारी जिंदगी, तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है सारी, दुआ का कबूल न होना हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम है, अच्छे काम करने में दिल न लगना हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम, मोमिन की जिंदगी की प्रॉब्लम, अच्छे काम अच्छी बात अच्छी न लगना मोमिन की जिंदगी की प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए कि जितने हमारे घर हम आप कर रहे हैं, अच्छे काम जितने भी कर रहे हैं, इन सब के पीछे एक जज्बा है कि नहीं कि अल्लाह से इसको कुछ मिलेगा, जन्नत मिलेगी, नेमतें मिलेगी, पाना चाहते हैं, तो अल्लाह से जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं उसके पाने के लिए खाली हमारा कर देना काफी है या ऐसा अमल करना कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए? जो अच्छे इंतमान हम पढ़ा ले अल्लाह से उसकी जजा मिल जाएगी, जैसी तिलावत कर डाले सवाब मिल जाएगा, जैसी मजलिस कर डाले सवाब मिल जाएगा? नहीं, सवाब तब मिलेगा जब वो हमारा अमल अल्लाह में लायके कबूलियत बन जाए। मोमिन की जिंदगी का मसला है कि मैंने जो अमल जिंदगी भर किए हैं ये अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो। मैं इसको सिर्फ इस मौजूद बात करना चाहता था, दो महीने आखिर हमने आपने अदादारी किए, पनी से की मातम किया, नवा किया, गिरिया किया, तबरुक बांटा, अदादार को खिदमत की, जो भी कर सके किया, दिल से किया, दिल से किया, लेकिन सब कुछ करके भी ये सब जो भी हमें इसमें पाना है, जन्नत पाना है, उनकी खुशी पाना है, अल्लाह की रजा पाना, जो भी पाना है, जो हमारी नियत है, किसी और छोटी नियत है, खाली रोजी के चक्कर में किया उसने कुछ किया, ज़ियारत आशुरा पढ़ रहे हैं तो खूब रोजी मिल जाए, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, सूरह वाकिया पढ़ रहे हैं, खूब रोजी मिल जाए, तो छोटी सी नियत है, अच्छे बड़े कामों की छोटी सी नियत, यानी उसकी कीमत उससे बहुत कम वैल्यू हम निकल लगा रहे हैं। हमारे तो हर अमल खैर की वैल्यू होना चाहिए रिजाए परवरदिगार, इसलिए न करें कि बच्चा मिल जाए रोजी मिल जाए, इसलिए न करें कि जन्नत मिल जाए, जन्नत नहीं गई, रिजाए परवरदिगार मैं पढ़ता रहता हूँ सूरह तौबा की, तौबा की आयत वाकल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा व मसाकिन तय्यिबतिन फी जन्नातिन, अल्लाह देगा जन्नत मोमिनीन मोमिनात को देगा, मगर याद रखो इस सबसे बड़ा क्या है, रिजवानु मिनल्लाह अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। तो हमें तो अपने हर अमल खैर के पीछे सोच ये होना चाहिए कि अल्लाह की रजा पाना है, चाहे इतनी ऊंची रसाई जन्नत ही पाना है, उससे भी नीचे चाहिए औलाद पाना, तो जो भी हम पाना चाहते हैं गुनाहों की बख्शीश पाना है, जो भी पाना चाहते हैं खाली वो कर डाले जो अल्लाह ने कहा है तो वो मिल जाएगा, या वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता मसा पैदा करेगा। तो सीधा सीधा जवाब है कि खाली हमारे कर देने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा हो कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, कबूल हो तब वो दिलाएगा जो हम उस अमल
ऐसे नमाज होगा मजलिस मतम सदका खैरान पड़ोसी खिदमत बुजुर्गों को सबक जो भी कर रहे हैं कबूल हो तब इस लायक बनेंगे। तो कबूल होने की बेशुमार शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त थी जो मैं इस वक्त आपकी खिदमत में इसके लिए आयत पढ़ी मैंने, जनाब आदम के दो बेटे हाबिल और काबिल और उसके बाद उन्होंने दोनों नजर की और नजर में बहुत ही बेदिली सी चंद जो रवायात थे कि बहुत ही मामूली सी चीज सूखी हुई जौ की बालियां ना के काबिल रखनी नजर के लिए और जो जनाब हाबिल के इम्कान में जो बेहतरीन चीज हो सकती थी बारगाह खुदा में पेश करने के लिए तो सर बहुत मोटा ताजा दुब्बा रवायात वो पेश कर दिया उनकी नजर कबूल हुई उनकी कबूल नहीं हुई। कबूल अल्लाह ने नहीं किए और ये खड़े हो गए तो तुम्हें बांट डालेंगे लड़ना जाओ इन भाई से लड़ने तैयार हो गए। जनाब हाबिल ने जवाब में कहा कि तुम लाख मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ मुझे बांट डालने के लिए लेकिन मैं तुम्हारी तरफ जूम का हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। अभी जो बिगड़े मिल रहा है तो जनाब हाबिल ने एक कानून बताया जो कुरान ने अल्लाह ने मुंतकिल किया तुम्हारी नजर कबूल नहीं हूं मेरी कबूल होगी वजह क्या है का एक नमा ये तकबल अल्लाह मिनल मुत्तकीन अल्लाह हर एक के अमल को कबूल नहीं करता है, अल्लाह हर इंसान के अमल को कबूल नहीं करता, अल्लाह हर मुसलमान के अमल को कबूल नहीं करता, अल्लाह हर मोमिन के अमल को कबूल नहीं करता, अल्लाह उस इंसान के अमल को कबूल करता है जो मुस्लिम भी हो मोमिन भी हो और उसके बाद मुत्तकीन भी हो। अल्लाह बस तकवे वालों के अमल को कबूल करता है। ये इन्नमा जो लगा ये वही इन्नमा है जो आयत तथीर में लगा है। इस इन्नमा का काम ये होता है कि अंदर वाला कोई बाहर न छूके और बाहर वाला कोई अंदर ना दे पाए, ये इन्नमा का काम यही होता है। तो कुरान करीम की आयत इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन बस और बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उनसे कबूल करेगा करता है जो मुत्तकी हो, कम से कम ईमान तकवा अदालत अखलाक ये सब के सब इनकी न इब्तदाई को एक ठिकाना है और ना कोई इंतहाई, बेशुमार मंजिलें हैं ईमान की। मसलन हर आदमी हर इंसान जैसे हमारे दिल की धड़कन हम लोग जो वो कराते हैं इसी तो रहते नहीं हर लगे यूं होती वैसे हमारा ईमान भी उसी तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। आदमी का ईमान और अकीदा और एतमाद और तवक्कुल और भरोसा ये सब चीजें ऐसे नहीं है कि बिल्कुल टिकी हुई है, इंतजार घटती भी है बढ़ती भी है। ईमान घटता है बदअमलियों से मसल और भी अरबाब है गुनाहों से, ईमान बढ़ता है नेकियों से मजबूत होता नेकियों से, जितनी नेकी आदमी बढ़ाएगा ईमान की मजबूती कर जाएगा, जितने गुनाह बढ़ाएगा उतने ही ईमान में तजल्लुल की तरफ आता जाएगा। इसी तरह अदालत अदालत का इब्तदाई मरहला भी अदालत का आला तरीन मंजिल भी है, अदालत का एक किनारा हुआ है कि जहां जैनबों में गुलसुम और अब्बास जैसे हैं जहां मासूम में और उनमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता, और अदालत का एक किनारा हुआ है जो हम मौलवियों में ढूंढते हैं कि पीछे किसी सूरत नमाज पढ़ लें आंखें बंद करके नहीं बीच के और कान बंद करके किसी सूरत बस बचा ले जाएंगे, गुनाह कबीरा हमने गिरते देखा नहीं और गुनाह सगीरा दोहराते देखा नहीं, किसी सूरत को नमाज पढ़ ले इसके पीछे पढ़े। अदालत के किनारे ये भी है जो टूटा करती है जुड़ा करती है, टूटा करती है जुड़ा करती है दोनों किनारे, वैसी तकवे के किनारे एक तकवा वह है जो करीब इस्मत है, सलमान का तकवा अबू ज़र का तकवा अब्बास का तकवा, और एक तकवा वह है जो हमारे आप जैसे कमजोरों का तकवा है, वो क्या है वो भी ये है कि वाजिब न छूटे हराम न हो, कम से कम तकवा यह है कि वाजिब न छूटे और हराम ना हो। तो अब आमाल खैर कबूल कराने की शर्त है तकवा और आमाल खैर का नतीजा भी है तकवा। आमाल खैर कबूल होंगे तो बगैर तकवे के नहीं और आएंगे तो फिर तकवा बढ़ा देंगे तुम्हारे पास। इतनी गुजारिश इसलिए की कि हमको सबको फिक्र होती है कि अल्लाह हमारे आमाल खैर कबूल हुए कि नहीं, इतनी नमाजें पढ़ी कबूल हुई कि नहीं, इतनी ज़ियारत की कबूल हुई कि नहीं, हज किए कबूल हुए कि नहीं, खैरात की कबूल हुए कि नहीं, कैसे पता चले। तो
तो उसकी पहचाने मासूमीन ने और कुरान मजीद बताई गई है। मैं वही आपकी खिदमत में सर्च करना चाहता हूँ, बस बात को खत्म कर रहा हूँ कि मोमिन की हैसियत से हमारी जिंदगी का एक मसला यह है कि हम जितनी भी नेकियां करें ऐसी हो कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। कबूल होने की शर्तें बहुत हम सबको बयान करने की गुंजाइश नहीं है। मैंने माजी में दो तीन बरसों में मुख्तलि मकाम पर मजाली से जो अशरे पढ़े हैं उनमें दो साल पहले शायद खोजा मस्जिद मुंबई में अमाल के कबूल करने की जो शराय कुरान मजीद और मासूमीन की सीरत और रवायात मौजूद है उनमें से कुछ को पेश करने की कोशिश की थी। अमाल कबूल होने की शर्तों मसल गिनती कम से कम सुन ले, अपने मनमाने अमल कबूल नहीं होंगे। जैसे अल्लाह ने कहा वैसे कर पाऊंगा, मैं जैसी नमाज पढ़ डालू कबूल नहीं होगी। जैसी अल्लाह ने बताई दो रकत जैसी बताई वैसी दो रकत पढ़े नहीं कि आठ मुठ सही तो दो रुकू को डाले और चार सब्जे का डाले, नहीं जैसी बताई वैसी। एक शब्द है यानी अमल के जाहिर ढांचे का सही होना। हम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे और हमारा सूरह हम भी गलत हो तो हमने जो सूरज जो ढांचा जाहिरी था वही नहीं किया। जिंदगी भर नमाज पढ़ी मगर ठोकर मार का नमाज ये खट से रुकू और झट से सज्दा कब्बे वाली नमाज सूरुल्लाह की नमाज में ऐसा साया मस्जिद नबी में ठका ठक नमाज पढ़ा था खट से रुकू खट से सज्दा तो रसूलुल्लाह देखा तो फरमाया नतरा का नकबिल गुरा वैसे नमाज पढ़ा जैसे कब्बा ठोके पड़ता है। देखा होगा ऐसी नमाज नहीं होती नतरा का नकबिल गुरा लो माता माता अला गैर की मोहब्बत ऐसी ठोकर वाली नमाज में पढ़ते अगर कच्चा चूंका रुकू कच्चा सद्दा मर गए ऐसी नमाज पढ़ते नहीं तो दीन मोहम्मद पे नहीं मरेगा। तो जो अधूरी थी नमाज पढ़ते भी मरे दीन मोहम्मद पे न मरे तो जो नमाज छोड़ के मरे वो काहे में मरेगा और जो नमाज मजाक नमाज का मजाक उड़ा के मरे वो काहे में मरेगा। तो कबूल होने की शर्त है शरायत में है जैसा बताया वैसे कर उसके बाद उस ढांचे में करते उसे सही करना फिर उसके बाद लिल्लाहियत खुलूस नियत रियाकारी नहीं दिखावा नहीं नाम की शोहरत शोहरत की फिक्र नहीं इन सब से खाली अमल से पहले भी खाली अमल के दौरान भी खाली अमल के बाद भी खाली। अगर खुलूस के साथ पूरी नमाज पढ़ डाली खूब अच्छी नमाज पढ़ डाली और रो भी दिए सज्दे में गई और रुकू में अब जो फिक्र लग गई यही कि मेरी ये रोने वाली नमाज सब तक पहुंच जाए। काश कोई वीडियो बना के फैला दे लीजिए साहब अच्छी खासी गई मैंने यहां मैंने पढ़ा नहीं आपने सुन ली बगैर एक सलवात भेजे थी बड़ी कामयाब मजलिस पढ़ा ली काश ये मजलिस पूरी दुनिया में वीडियो बना रहे फैला दी जाए यहां खुलूस से भी पढ़ रहे तो गई बाद में तो खुलूस चाहिए पहले भी वक्त अमल भी बादे अमल भी रिया कहीं ना आने पाए कबूल की शर्तों में उन्हीं में एक बसीरत भी है उसके पेश करने वाले सुर्खियां खाली सुना रहा हूं बसीरत भी है सब कुछ ठीक ठाक है मगर बेअकलों वाली इबादत है बेशौरी वाली इबादत है वो भी कबूल नहीं है। बेशौरी वाली इबादत क्या है बेअकलों वाली बेबसीरती वाली इबादत क्या है उसके तो पेश करने का वक्त नहीं है। मगर इस वक्त हमारे माशरे में सबसे बड़ी आफत जो आई है वो बेशौरी की इबादत की है। बानी तर्जी ने जब यहाँ तहरीक शुरू की इसी गाँव से मैं उस वक्त और क्या था खूब पढ़ने के लिए उन्होंने ढके के भेज दिया था उन्होंने खत लिखा था मुझे कि मैंने को और मुझको वाली को मारा जिस वो मैं निशर रहते रहते थे ऐ ईमान वालों खुद को बचाओ घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से बचाओ। मैंने मुहिम शुरू की है बिन्नौर से अपने घर से अपने कुंबे से और नाम लिख के बुजुर्गों के उनको गाड़ी रखवा दी उनसे मोस्ट निकलवा दिया तो हक है मेरे पास उनके सारे सबूत है बहुत दिनों से रखते हो पर कम हो जाए तो छाप दिया जाए इंशाल्लाह ये काम ही अब इस करीम या अगर बात करेंगे तो छोटा सा काम है लेकिन असर बहुत बड़ा होगा इंशाल्लाह वो उनका लिया जाए। तो उन्होंने मुहिम शुरू की थी इसी तौर से अलहमदुल्लाह इसका असर चारों तरफ अलहमदुल्लाह नहीं इस नस्ल में दिलदारी दिखाई दे रही उस पर चेहरे दाढ़ी वाले ढूंढना पड़ते थे अब बगैर गाड़ी का नहीं दिखाई दे रहा इंशाल्लाह हालात बहुत ही बंद है नमाज है दीनदारी है दोस्त की पाबंदी है माशाल्लाह सब कुछ है मगर रुकने की कोई जगह नहीं है दीन की राह में जहाँ पहुंचे वहीं से ऊपर जहां पहुंचे वहीं से ऊपर ये नहीं कि हम कंप्लीट हो गए हम परफेक्ट हो गए जहां परफेक्टनेस का ख्याल आया वहीं से जाओ जब तक अधूरे हैं मासूमी के जुमले आए से भी याद आ गए कह दो एक आदमी इबादत करता आज बड़ी उमदा शब्ददारी कर ली आज उमदा अलहमदुल्ला बड़ी जबरदस्त
बस समय तंग कर डाली, पर जैसे ही सोचा वही ना हो। पासोमी ने तरीके इबादतें की भी सिखाया है कि इबादतें करो तो हमेशा एहसास तकसीर बाकी रहे। तकसीर यानी कोताही, यानी कुछ भी कर डालो फिर वो ख्याल है वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। सैयद सज्जाद जिंदगी भर कैसी इबादत थी, और फिर दादा का किताब वाली लाते थे अली का करते, और फिर वहां इनके जैसा कहा हो सकता है। और जो अली सारी जिंदगी की इबादत करते रहे वो सज्जे में जाके इतना अली अल्लाह की बारगाह में होते किस पकड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कैसा दम निकल गया, रू निकल गई। तो इनके यहाँ एहसास तकसीर, जितनी इबादत करते थे कोताही का एहसास बढ़ता था, घटता नहीं था। मोमिन की शर्त यही बताएगी कुछ भी अच्छा कर डालो मगर कभी ये ना लगे कि ठीक से कर लिया, हर बार ये लगे बोला हो पाया जो बोला चाहिए। है मैंने बस चलो बसीरत है हमारे के कबूल होने की, और उसमें सबसे अहम तरीन शर्तों में से है तकवा, यानी वाजिबात छूटने ना पाए और हराम काम होने ना पाए, तब फिर अमाल के कबूल होने की मंजिल आती है। सारी अल्लाहदारी मुस्ताह है, ये सारे मुस्ताह कबूल हो गए जब वाजिबात अंजाम दिए जाते रहे और हराम से खुद को बचाया जाता रहे। मोमिन की जिंदगी में मसला है कि मेरे अमाल कबूल हुए कि नहीं हुए, पता कैसे चले, तो कुरान मजीद को उसका तरीका बताया, मासूमीन ने बताया। मसला एक दो नमूने आपके सामने रखे देता हूँ। नमाज के लिए नमाज के असरात क्या जिंदगी मुतलब होते हैं दुनिया में आकर अपने दुनिया और आखिरत के बीच में बहुत तफसीली रवायात मौजूद है, मगर आयत भी है कुरान मजीद में। अल्लाह कहता है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज फहशा यानी खुल्लम खुल्ला बुराइयां, हर एक सड़क पर गालियां बक रहे, सड़क पर पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये है हो गए। और मुनकर यानी हर वो चीज जो अल्लाह को नापसंद है, जो हराम है, बल्कि जो मकरूह है वो भी मुनकर है। अल्लाह ने रोका है, डंडा मार के नहीं रोका, बस डंडा मार के रोका है तो हराम है, डंडा मारे बगैर रोका है तो मकरूह है, मुनकर तो भी अल्लाह को पसंद नहीं है। मारूफ का मतलब अल्लाह की पसंदीदा चीज, और मुनकर जो अल्लाह को और हर अच्छे इंसान को नापसंद है वो मुनकर है, उस मकरूह या मारूफ में जैसे वाजिबात आते हैं मुस्तहबात आते हैं, उसके बाद वैसे मुनकर में नापसंदीदा में हराम भी है मकरूह। इन सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज खुल्लम खुल्ला गुनाहों से बचाती है और बगैर खुल्लम खुल्ला गुनाह न करे आदमी, बुराई से बचाती है। अब मासूम से पूछा गया कि नमाजें पढ़ते पता कैसे चले कि कबूल हुई कि नहीं, तो इमाम ने कहा आसान है, ये देखो नमाज पढ़ने के साथ अगर तुम्हारी जिंदगी से बुराइयां घट रही है, गुनाह घट रहे हैं, काम धीरे धीरे छूट रहे हैं, तो समझ लो कि नमाज कबूल हो रही है, इससे दवा अपना असर कर रही है। और अगर नमाज भी जारी है और गुनाह भी जारी है, नमाज भी जारी है और गालियां भी चल रही है और बढ़ रही है, घट भी नहीं रही, रुकी है या बढ़ रही, तो समझ लो नमाज कबूल नहीं हो रही। उसी तरह से माह मुबारक रमजान के रोजों को अल्लाह ने दिया तो उसकी मसलहत हिम्मत क्या बताई, महीने भर के रोजे अल्लाह रखे तुम्हारे ऊपर क्यों रखे, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तकवा अल्लाह का डर, काहे का डर, गुनाह का डर, अल्लाह के अजाब का डर। तो अगर रमजान के रोजे रख के खौफ खुदा बढ़े, रमजान के रोजे रख के हराम से बचने की ताकत बढ़े, रमजान के रोजे रख के नेकियां करने की ताकत बढ़े, तो इस अंदर लोगों ने काम किया यानी कबूल। ज़कात सदका अभी मैंने उनसे शायद रवायत सुनाई थी, उम्र बढ़ेगी, सेहत मिलेगी, अगर ये सब करे और ये लताएं दुनिया में सामने आ रही, इसका मतलब कबूल असर पैदा हो रहा। और इसी तरह की पहचानों में पहचान और भी है कि हम चाहते हैं अल्लाह से राजी हो जाए, पता कैसे चले अल्लाह राजी है कि नहीं, सती वादा की रवायत बहुत पड़ते हैं, ताकि कैसे पता चले अल्लाह हमसे राजी है। अभी तो हमारा कबूल होने की बात तो दूर की बात, अल्लाह हमसे राजी है कि नहीं राजी, तो मासूमीन ने बताया, मासूमीन के बकसरत इरशादात है, कहते इमाम ग्यारहवें इमाम कम से कम दो इमामों के नाम मुझे याद है और भी होंगे, फरमाया पता चलाने का तरीका बड़ा आसान है, अल्लाह तुमसे राजी है कि नहीं ये देखना है, तो तुम ये देखो कि तुम अल्लाह के हर फैसले पर उससे राजी हो गए, जो फैसला भी तुम्हारे लिए कर रहा है,
अगर तुम उसके हर फैसले पर राजी हो तो भी तुमसे भी राजी, अगर तुम उसके कुछ फैसलों को कबूल करते हो उससे राजी नहीं हो तो फिर उसके मतलब वहां भी मामला यही है। तो कबूल होने का पता कैसे चलेगा? दुनिया में अल्लाह ने उन अमाल का जो अच्छा असर रखा है वो अगर दिखाई देता है तो कबूल। अब अजादारी 2 महीने 8 दिन हमने की, अजादारी एक अच्छा अमल है, बहुत अच्छे अमल का दुआ है, इसका भी कुछ असर हमारी जिंदगी में पैदा होना चाहिए, वो असरात का होना चाहिए, वही असरात है जो हैदा पर उसे नहीं है, जो हैदा पर करबला है, जो मकसद करबला है। मकसद करबला क्या है? बिगाड़, अभी बार बार मैं पद्धत जुड़े पढ़ता हूँ, वसीम जुड़े सुनने वाली सुने बेटी बढ़ी, मेरे घर में कुछ बेटी आ गई, कोई बेनवाजी नमाजी बन गया, कोई हिजाब बेटी हिजाब में आ गई, कोई बॉक्स निकालने वाला होश निकालने लगा, तो इसका मतलब अजादारी ने अपना काम कर दिया। अजादारी का काम है दीनदारी लाना, अदादारी का काम है दीनदारी लाना। अगर दीनदारी आई तो अदादारी कबूल हो गई, और अगर अदादारी करते रहे और दीनदारी ना आई, नमाजें वैसे ही छूट रही है, रोजे वैसे ही छूट रहे हैं, जुल्म वैसे ही हो रहा है, सितम वैसे ही हो रहा है, हम वैसे ही मारे जा रहे हैं, हमसाए वैसे ही सताए जा रहे हैं, कमजोर को वैसे ही कुचला जा रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि अदादारी ने अपना काम नहीं किया। इसलिए अदादारी है दीन की हिफाजत का नाम, जाता हुआ दीन बचाया था उसने, और अदादारी का काम भी वही है। बस मैं इससे नहीं लूंगा, खत्म हो रहे, हम देखें कि हमारे अमाल जो कुछ भी हमने किया अगर कबूल है तो कुछ नेकियां हमारे माशरे में, हमारे घर में, हमारे वजूद में बढ़ना चाहिए, कुछ बुराइयां हमारे माशरे से, हमारे घर से, हमारे वजूद से घटना चाहिए। और परवरदिगार से मदद मांगे हम सब, उससे तौफीक चाहे, हजरत सहरा की बारगाह में दुआ करें कि आप शफीए महशर भी हैं, आप जहन्नम से निकालने का जरिया हमारी बनने वाली है, आप हमारी मदद कीजिए। हमने 2 महीने 8 दिन आपके बेटे की मोहब्बत में वाकई में एक तेजी से अशुभ आए फर्श बिछाया, कहीं कहीं व्यापारी आ गई होगी, हम उससे अपने को शर्मिंदा होकर नजर करके चाहते हैं कि सब कुछ हमने व्यापारी नहीं किया, जो दिल से किया है हमारे गुनाहों की वजह से रुक न जाए, तो बार बार के बाद पहुँच के कबूल हो जाए, तो हमारे दीवान से बरियात करें। आपके जरूर जिम्मेदारी अल्लाह ने तुम्हारे कानों पर रख दी है, तो तुम जब सुधरोगे इतना कि तुम्हारा ईमान कहेगा वैसे ही कहोगे से करबला में भक्त हुसैन के साथ थे, पूरी दुनिया के मुकाबले में हुसैन नहीं उठे थे, यजीद के मुकाबले में उठे थे, आपके ईमान पूरी दुनिया के मुकाबले में उठेगा, अदा उसे करबला के भक्त सुनाना करबला वाले से लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुधरो सुधरो, ऐसे सुधरो हमारी बात मानने की आदत करो, जो हारून मक्की ने किया था वो तुम्हारे अंदर आ जाए, मेरे चूर चिरा जो कहे वो कर ना दो, बगैर पूछे सोचे समझे कि हमसे क्यों कहा जा रहा, इस हद तक की बात के मिला के आ जाओगे तो फिर हमारे जहूर का वक्त हो गया है। जहूर में ताखिर का सबक से मिसाली नहीं है, जहूर में ताखिर का सबक खुद खुद भी है, हमारा ये किरदार है, हमारी तैयारियों की कमी है, हमारा ऐसा सरपन्ना है कि जैसे साथियों और नासिरों की के इंतजार में हमारा इमाम बैठा हुआ है। मेरे अजीजो, इस इंतजार को खत्म करें, जितने चियाले पैदा कर दे जो इताअत इमाम के आगे है, उन्हें न उनकी ख्वाहिश रोक सके, न मोहब्बत रोक सके, न दौलत की मोहब्बत, न पैसे की मोहब्बत, न माल की मोहब्बत, कुछ न रोक सके इताअत इमाम से, जैसे करबला वालों को कोई मोहब्बत इताअत इमाम से न रोक सकी। सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसान को औलाद से होती, जान से भी ज्यादा अगर कोई सरमाया इंसान के पास है तो वह औलाद। साहिबान ईमान की दुनिया की ईमान सबसे बड़ा सरमाया है, दीन सबसे बड़ा सरमाया है, अगर आम इंसानों की जिंदगी में माल से ज्यादा जान कीमती है, जान से भी ज्यादा कीमती चीज का नाम है औलाद, और करबला वालों ने औलाद भी पेश की, जान भी पेश की, माल भी पेश किया, अपना व्यापार भी कमाते जो मगर आसान था
हुसैन को भी शहादत के लिए भेज देना, इतना हुसैन मेरी नजर के लिए जितना नंगे सर यजीदियों के बीच में जाना उससे मुश्किल देना मिलते। अगर ज़ैनब ने उसे भी कबूल किया, ज़कार की कुर्बानी भी कबूल की, क्यों? ताकि दीन पहुंच जाए, ताकि इस्लाम बाकी रहे, ताकि मेरे भतीजा ने सुने मेरे बिनु मंजर चला भैया के उसे जिल्ला इलाहा इल्लल्लाह बेटे रेत घर में करबला में लिखी नहीं है, वो आसमानों में चमकता रहेगा बाहर के कुर्बानी देने वालों के दो किस्मत की है, जान देने वाले जो करबला में कुर्बानी देते सो गए, और एक बेकार की कुर्बानी देने वाले, और ये दुश्मनों दुश्मन कुर्बानी जितनी दुश्मन की सैयद सज्जाद की जो तो लेनी है हवा के लिए करबला वाले रुकबे बची है सब ये थी के फिर थी बीबी रबा तो बीबी रबा बस आगे तो बीच आगे लिए तो समझते थे समय जगह लाल बजे भी मैंने ये कहा जाता था साहिब चलिए का कैसे चलो लाया।
हराम से गुनाह से बचने का हौसला ताकत Thank you.